तो ये हमारी है मिष्टी। सो ये तीनों ही फल जो है वो ऊपर आ गए, बेलपत्री चली गई है, बेलपत्री खली नीचे गई है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एमटीवी मधुर, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज दिन है 30th of August 2021 और आज का दिन दो कारणों से बहुत ही खास है। पहला वो क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है सोमवार, और दूसरा कि आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी है। मेरी तरफ से आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर से करीब करीब 90 किलोमीटर दूर पड़ता है नैमिषारण्य धाम, और बहुत ही फेमस और पवित्र धाम है। बहुत ही मतलब साउथ से लोग यहाँ पे आते हैं, और साउथ वालों ने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया हुआ है, बहुत ही खास मंदिर है, और बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं। मतलब यूपी के अंदर आप लोगों को साउथ की फीलिंग आने वाली है। आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से व्लॉग में बने रहना। सो रेडी होते, रेडी होके निकलते हैं और सीधा आप लोगों को मिलते हैं गोप्रो पे। सो अभी टाइम हो रहा है 8:56 और मैं निकल चुका हूँ अभी लखीमपुर से। मेन चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि जहाँ पर भी जा रहा हूँ बहुत ही पौराणिक और प्राचीन जगह है वो। लखीमपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर है वो, और 90 किलोमीटर के बीच में एक सिटी पड़ती है सीतापुर। तो सीतापुर क्रॉस करते हुए हम लोग निकलेंगे। तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ नैमिषारण्य धाम के गेट पे। आप लोग देख सकते हो लखीमपुर से निकला था करीब 9 बजे के अराउंड, और यहाँ पे पहुँचने में करीब 11 बज रहा है। 2 घंटे लग गए, करीब 90 किलोमीटर है क्योंकि सिंगल लेन रोड है, इसलिए 2 घंटे लगना ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं, और किस लिए फेमस है सारी बातें आप लोगों को पता चलेंगे अभी बस थोड़ी देर में। पूरा व्लॉग देखना और बताना कि कैसा है। ये मेन गेट है, यहाँ से करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर है, और बस चलते हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के बारे में कहा गया है कि एक महर्षि थे जिनका नाम शौनक था, और उनके मन में एक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। तो विष्णु भगवान उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्होंने एक चक्र दिया था, और उनसे यह भी कहा था कि चक्र को चलाते हुए चले जाओ, और जिस स्थान पर ये चक्र गिरेगा उसी स्थान पे आप अपनी तपस्या कर सकते हो, वो स्थान पवित्र हो जाएगा। जो शौनक थे, जो ऋषि थे, वो चक्र को चलाते हुए निकल पड़े, और उनके साथ में करीब 88,000 ऋषि भी साथ में चल दिए थे। साथ साथ में चक्र चलता हुआ और साथ साथ में ऋषि चलते हुए गोमती नदी के किनारे एक जंगल में तो वो चक्र गिरा के, और उस चक्र जहाँ पे गिरा तो उसको नैमिष कहा जाता है, इसी कारण इस नाम को नैमिषारण्य धाम भी कहा जाता है। तो यार हम लोग अभी आ चुके हैं कहाँ पे, नैमिषारण्य धाम, जो हिंदू धर्म के मान्यता लोगों के लिए बहुत ही पवित्र धाम है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, चक्रतीर्थ है, और चक्रतीर्थ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से और क्या है इसमें। सो मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये है चक्रतीर्थ, जो कि ये जो चक्र बना हुआ है, इस चक्र के अंदर जो पानी आता है वो पाताल लोक से आता है। क्यों पंडित जी? बिल्कुल सही बात है। सो गर्मी बहुत है यार यहाँ पे अभी, थोड़ा सा मौसम जैसे सोमवार है, और सोमवार में कहा जाता है अगर किसी धाम पे बारिश हो जाए तो तुम्हारा आना सफल हो जाता है। बारिश तो हो गई, बारिश हो गई, हमारा आना सफल है। पंडित जी से मुलाकात हो गई, कहानी जानने को मिली थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे आ कैसे सकते हो, ये नैमिषारण्य धाम कहाँ पे स्थित है, कैसा है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले यूपी में सीतापुर जिला, और लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर है, और लखनऊ से आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो, बाई बस भी आ सकते हो। और आप लोगों को लखनऊ से अगर आप आते हो तो लखनऊ से सिधौली होते हुए फिर आप आते हो नैमिषारण्य धाम। जयकारा सुन रहे हो, यही है। दूसरा जो रास्ता है, अगर आप बरेली से आते हो तो आप बरेली से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से सीतापुर, और सीतापुर से फिर नैमिषारण्य धाम आपको मिल जाएगा देखने को यहाँ पे। और लखीमपुर से अगर आते हो तो लखीमपुर से फिर सीतापुर, सीतापुर से फिर नैमिषारण्य धाम। बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे जैसे भी आ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। पंडित जी ये क्यों कहेंगे, चलो आराम करो, यहीं बैठो। पंडित जी कह रहे हैं आराम करो बैठो, तो बैठेंगे भी थोड़ी देर। मार्कंडेय पुराण में ही आप लोगों को नैमिषारण्य धाम का जिक्र मिलता है, और रामायण में भी नैमिषारण्य धाम का जिक्र मिलता है। तो बहुत ही अच्छा पावन धाम है, आप लोगों को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। तो अभी चलते हैं। तो यार नैमिषारण्य धाम जो चक्रतीर्थ था उसके दर्शन करने के बाद अब मैं आ पहुँचा हूँ श्री शक्ति
धाम। तो यहाँ पे जो भी मंदिर बने हुए हैं, जो भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो साउथ में जो भी लोग हैं उन्होंने बनवाई थी। जो यहाँ पे श्लोक वगैरह भी लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे मंदिर का नाम वगैरह भी लिखा, वो भी तेलुगु भाषा में ही लिखा हुआ है। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली मतलब यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है कि नैमिषारण्य धाम, साउथ से कोई भी लोग आके वो यहाँ पे मंदिर बना के जाते हैं, और बहुत ही बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, वही चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और मेरे पीछे जो आप लोग गेट देख रहे हो, ये श्री शक्ति धाम का ही है। और चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे आप लोग पहुँच सकते हो। अभी सीन कुछ ऐसा है, जो शक्ति धाम है वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही व्लॉग कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन का इशू रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, पूरी की पूरी साउथ की फीलिंग आ रही है। जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल और रामेश्वरम कन्याकुमारी में जिस हिसाब से भी मंदिर बने हुए हैं, सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और दुर्गा जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है यहाँ पे। जो भी धाम है यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा खूबसूरत बनाया गया है। और जो फीलिंग है वो सिर्फ फीलिंग मुझे साउथ की आती है, जो मीनाक्षी टेम्पल में होके आया था। तो मीनाक्षी टेम्पल का अगर व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ देखो। नैमिषारण्य धाम के पास में ही आप लोगों को ये श्री त्रिशक्ति धाम नाम है इसका, और ये आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो जल्दी आओ और दर्शन कर लो यहाँ पे। ये रहा नैमिषारण्य धाम का गेट, यहीं से नैमिषारण्य धाम 2 किलोमीटर अंदर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहां से ये सामने से रोड जा रही है, यहां से अभी चलते हैं और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं क्या है और वो किस चीज़ के लिए जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भैया वो वाला वो कुंड कहाँ पर बना है? हाँ, यहाँ से 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर? अच्छा। तो यार जैसा कि मैंने बताया था कि नैमिषारण्य धाम से एक जगह पड़ती है 3.5 से 4 किलोमीटर गांव के एरिया में है, गोमती नदी के तट पे आपको एक नाग मंदिर मिलेगा। और यहीं पे एक मान्यता है ये कि यहाँ पे कुंड है और गुप्त शिवलिंग बोला जाता है गोमती नदी के अंदर। और गुप्त शिवलिंग पे आप जब कुछ चढ़ाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, लाइक कोई भी प्रसाद अगर चढ़ाते हो, तो कोई भी फल अगर होता है तो हल्का या वजन का कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि वो ऊपर आएगा या नहीं आएगा। कोई भी फल ऊपर आ सकता है, कोई भी फल नीचे रह सकता है, बेलपत्री हमेशा नीचे जाती है। तो ये थोड़ा सा है लॉजिक क्या है इसके पीछे, थोड़ा सा देखते हैं और चलते हैं यहीं से। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो नदी है, यहीं पे एक घाट टाइप का बना हुआ है। चलो लेके चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। सो एक्चुअली रीज़न कुछ है कि मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो कज़िन है वो करेगा और वही दिखाएगा, देखेगा कि क्या है इसमें, क्या चीज़ें हैं। जैसा जैसा ये चढ़ावा चढ़ाता रहेगा वैसा वैसा आप लोगों को दिखता रहेगा कि क्या चीज़ें ऊपर आ रही, क्या चीज़ें बैठ रही नीचे। तो तुम पहले चढ़ाना चालू करो। कौन सा है कुंड, कहाँ पे? ये नीचे है, यही कुंड आगे कुंड है, इसमें नदी बड़ी है। ये दूध जो है ऐसे पकड़े हो, ऐसे उम्र के ऐसे चढ़ाइए सारा दूध। लोग उनको ये चलाओ, साथ चला नीचे करो हाथ। अब इसमें से सर ओम बोलो, ओ नमः शिवाय शिव पर ओम बोलते रहो। हो गए नीचे बल्कि ओ नमः शिवाय शिव पर ओम नमः शिवाय। अब 3 फल ले लो, बेलपत्री भी जा चुकी है अंदर। 3 फल ले लो, चाहे जो ले। 3 फल ले रहे भाई साहब, करो बाबा प्रसाद। जाती है नीचे या नहीं जाती? नमः शिवाय बाबा, जहां जान फल ले लो। नमः शिवाय, प्रसाद को छोड़ दो, ये जल के ऊपर आए हुआ। अच्छा, सो ये तीनों ही फल जो है वो ऊपर आ गए, बेलपत्री चली गई है, बेलपत्री खाली नीचे गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, देखो दादा ये 2 फल है, देखो। हां हां बाबा प्रसाद अर्पण लो, ये गया नीचे, एक ऊपर आएगा। अच्छा, और देखो जबकि छोटा नीचे बैठ गया,
बड़ा ऊपर आएगा, उनकी माया वही जाने। अच्छा, यहाँ ये गुप्त लिंग है मंदिर में, वो स्वयं शंभु है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से कुछ नहीं है कि वजन के हिसाब से कुछ नहीं है? देखो ना कितना छोटा नीचे बैठा है, और इसका बैठ देखो, जो ये आए हैं देखो कितने बैठ वजन है। हाँ हाँ। फिर से डालने बेल पत्ते के तेल की है, फिर से डालने। अब जो ऊपर आया वो नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है कुछ हो जाए, जो ऊपर आ गया अब शायद जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। देख लो ऊपर है, तार है दोनों। अरे वाह भाई, माया है, शिव शंभु की माया है। और बाकी सब नीचे बड़े भी पड़े हैं, बड़े सब पड़े हैं, आगे आ जाइए। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो नीचे भी बड़े बड़े फल पड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वजन के हिसाब से कोई लॉजिक हो कि हल्का जाएगा नीचे या भारी आएगा ऊपर, या भारी नीचे जाएगा या हल्का ऊपर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जो फल ऊपर आ जाता है वो प्रसाद के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तभी तो तेरा तुझको अर्पण है, क्या लगे मेरा, ये तो देवों के देव महादेव, हम आपका तुल्य हैं, जितना चाहते धन्ना चले। देवों के देव हो, महादेव हो, तीनों लोग के स्वामी हो, श्रेष्ठ चेता हो, आप तनकी जानो मन की जानो, जानो तनकी चोरी। आपके हाथ में संसार की सारी बागडोर है, हम आपके मूर्ख बालक हैं, हमें पूजा अर्चना करने की विधि नहीं मालूम है, अपना भोग आप ही स्वीकार करो, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आप दाता हैं, सारी दुनिया भिखारी है। भोले बाबा जलवा दिखा, कण कण में भोला समाया हुआ, समाया हुआ है। इसी एक अच्छे नोट के साथ में आप लोगों को हो सकता है कि समझ में आए हो चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर हाथ में कैसा क्या रहता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, 5 बज रहा है और टाइम हो रहा है। चले पंडित जी, जय बोले, जय बोले, जय बोले। तो यार सावन का महीना और बारिश ना हो तो ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, लेकिन बारिश है, सावन के महीने में ही होती है। तो भाई नैमिसारण से निकला हुआ था करीब शाम को 6:30 बजे और लखीमपुर पहुँचते पहुँचते अभी 8:30 बज गया था, तो यहाँ तो पहुँच गए। लेकिन आज का दिन जन्माष्टमी का दिन है, और आज के दिन पे कौन है यहाँ पे मेरे घर पे, और जो तैयार होके बैठा हुआ बिल्कुल काना वाना बन के, तो दिखाते हैं आप लोगों को, मिलाते हैं, हमारे घर की शान है ये। तो बेटा जी ये रही, तो ये हमारी है मिष्टी, मुंडन हुआ है इनका, तो बाल छोटे छोटे हैं इसलिए कान्हा जी लग रही हैं, वरना बाल बड़े होते तो नहीं लगते। क्यों इधर देखो इधर, तो अच्छा लोगों से बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हैप्पी हैप्पी जन्म अष्टमी। हाँ राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो भाई आज के दिन का तो जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का दिन नैमिसारण के नाम और जन्माष्टमी राधे राधे भोलेनाथ के नाम पे था, क्योंकि सोमवार भी है। तो आज के दिन को करते हैं एंड, आज के ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। तो भाई लोगों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों को पता ही है क्या करना है, कह दो लाइक शेयर कमेंट, तीनों जरूरी करना है। तो भाई साहब इसके नाम पे थोड़ा सा कर देना। नमस्ते, बाय बाय। तो मेरी स्टाइल में आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम सलाम, बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाथ लगाया है सुबह।